हाँ तो स्वागत है आपका फिर से नई क्लास में। कल मैंने पढ़ाया था आपको अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की विधियाँ फिर से रिपीट करते, थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाए। कौन कौन सी विधियाँ बताई थी आप लोगों को? हाँ जी बताओ भाई, कितनी विधियाँ थी? है कोई बताओ? हाँ कितनी? पांच विधियां थी, बोलो नाम। ठीक हाँ, दूसरी, फिर नेक्स्ट। चलो ठीक, हम लिखे दे रहे हैं, जिसको नहीं आता वो फिर से अपना रिवाइज कर ले, रिपीट कर लो, हम फिर से लिखे दे रहे हैं। ठीक है चलो लिखते हैं। अलैंगिक जनन की विधियां ये मैंने कल पढ़ाया था आपको। कौन कौन सी विधियां थी? फटाफट रिपीट किए दे रहे हैं। पहली विधि विखंडन, दूसरी दूसरी बीजाणु जनन, तीसरी विधि क्या थी? मुकुलन मीन्स बडिंग, चौथी विधि, चौथी विधि बताओ, खंडी भवन, खंडी भवन फ्रैगमेंटेशन, और आखिरी पांचवें नंबर की पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन मीन्स रीजेनरेशन। ये सारी पांचों विधियां बताई थी, हैं? कर लो रिफ्रेश। तो इसके बाद आज का टॉपिक आगे बढ़ेगा। आज का टॉपिक ये पांचों विधियां नोट होने के बाद, इसके बाद का टॉपिक शुरू करते हैं। चलो भाई शुरू हो जाओ। आज का टॉपिक है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। फर्स्ट प्राकृतिक, कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन यानी कि नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन मीन्स आर्टिफिशियल,
वेजिटेटिव, रिप्रोडक्शन, तो कायिक जनन दो तरह का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दो तरह का। अब ये दोनों नोट कर लो, उसके बाद हम पढ़ाते हैं आगे। प्राकृतिक कायिक जनन, इस टॉपिक पे आते हैं। तो प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है, इसमें नेचुरली जनन होता है, प्राकृतिक रूप से, कुदरत प्रकृति स्वयं अपनी प्रक्रिया द्वारा नए जीव, नए पौधे या प्रकृति में नए जीवों को जन्म देती है, इसमें प्राकृतिक कायिक जनन द्वारा। तो प्राकृतिक कायिक जनन में, प्राकृतिक कायिक जनन कितने तरह का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन भी लिख लें। फर्स्ट, प्राकृतिक कायिक जनन, तीन तरह का होता है। पहला, जड़ द्वारा बाय रूट्स, दूसरा तना द्वारा बाय स्टेम, और तीसरा पत्ती द्वारा बाय लीफ। तीन तरह का प्राकृतिक कायिक जनन होता है। कायिक जनन दो तरह का होता है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उस और प्राकृतिक जनन फिर तीन तरह का होता है, जड़ द्वारा, तना द्वारा और पत्ती द्वारा, बाय रूट्स, बाय स्टेम एंड बाय लीव। तो आप ये देखो, प्राकृतिक कायिक जनन के कुछ ये बने हुए हैं, जड़ द्वारा। आप ये देखो, अदरक की जड़ है, ये बना के रखा था मैंने पहले ही, क्योंकि लाइव क्लास में बनाने में बहुत समय लगता है, इसलिए मैंने इसको पहले ही बना दिया था क्लास शुरू होने से पहले ही। तो ये अदरक की जड़ है, इसमें जड़ द्वारा, ये जो पहली विधि है प्राकृतिक कायिक जनन की, जड़ों द्वारा। तो जड़ों से नई अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, ये अदरक की जड़ है, ये अदरक की जड़ है, ये इससे, इस जड़ों से ये जड़ें फैलती जाती जाती हैं और नई अदरक का निर्माण होता है। ये पर्व संधियां बनी हुई हैं, ये कलिकाएं निकलती हैं और कलिकाओं से ये जड़ें भी निकलती हैं, जड़ों से नए तने का, नए अदरक का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हुआ जड़ द्वारा। दूसरा क्या है, तना द्वारा। आलू क्या होता है, आलू एक तना होता है। तो आलू में जब परिपक्व हो जाता है आलू, उसके बाद उसमें कुछ अंकुरण निकल आते हैं, इन अंकुरण को आंखें बोलते हैं, ये आलू की आंखें होती हैं। और जब इसको ऐसे इसको काट काट के इस तरह मिट्टी में दबा दिया जाता है, ये हिस्से आलू के, ये इसको कट करके प्रत्येक हिस्से में आंख होनी चाहिए, तभी आलू का एक नया पौधा पैदा होता है। तो आलू के ये कई टुकड़े करके मिट्टी में दबा दिए जाते हैं, जिससे नए आलू के तने का निर्माण होता है। तो ये दूसरा क्या हो गया, तना द्वारा। और तीसरा,
पत्ती द्वारा। ये देखो ये पत्ती बनाई हुई है, ये ब्रायोफाइलम की पत्ती है। कौन सा पौधा? ब्रायोफाइलम, उसकी ये पत्ती है। इसकी पत्ती जब पूरी तरह से बड़ी हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, तो उस पत्ती में कुछ नई कलिकाएं, इनको अपस्थानिक कलिका बोलते हैं, कुछ नई कलिकाएं निकलती हैं और यहाँ से इन कलिकाओं से जड़ें बन जाती हैं, यहाँ ये जड़ें फैल जाती हैं और फिर ये यहाँ से एक नई ब्रायोफाइलम के पौधे की उत्पत्ति होती है, यहाँ से एक नया ब्रायोफाइलम का पौधा बनता है। ये पत्ती बाद में ये अपने मुख्य तने से टूट के नीचे गिर जाती है और ये नए पौधे का निर्माण हो जाता है, इस तरह से ब्रायोफाइलम का। ठीक है, उसी तरह ये एक जलकुंभी होती है, हैं? ये बहुत ही खतरनाक चीज होती है जलकुंभी। ये तालाबों में भयंकर रूप से फैली हुई होती है, इसको भूस्तारिका बोलते हैं और आम भाषा में जलकुंभी भी बोलते हैं। तो ये जलकुंभी पूरे तालाब में फैल जाती है और ये जो इसका तना होता है, ये इस तने से नए ये पत्तियां और इसके फूल निकलते रहते हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। ठीक है, अपने देश में पहले नहीं पाई जाती थी, कहीं विदेश से किसी ने इसकी सुंदरता के कारण इसको लाके अपने यहाँ अपने इंडिया में ले आया और तालाब में डाल दिया, तो ये धीरे धीरे बहुत सारे तालाबों में ये फैल गई और इसको ख़त्म करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसका कोई भी रेशा, कोई भी अंश अगर तालाब में बना हुआ है तो फिर से ये बहुत तीव्र गति से वृद्धि करके पूरे तालाब में ये फैल जाती है और ये बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि ये तालाब के जल से ऑक्सीजन को खींच लेती है, जिससे मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इससे ऑक्सीजन की कमी से मछलियाँ मर जाती हैं। तो ये होती है जलकुंभी भूस्तारिका, इसके तने से ही ये पूरे तालाब में धीमे धीमे करके ये फैल जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया प्राकृतिक कायक जनन, जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा। जड़ द्वारा जैसे ये अदरक में, तना द्वारा आलू के तने में इसका टुकड़े करके और इसको मिट्टी में गाड़ देते तो नया आलू का पौधा तैयार होता है। ठीक है, फिर पत्ती द्वारा, ये ब्रायोफाइलम की पत्ती है। ठीक, और तने का एक एग्जांपल ये भी है जलकुंभी। तो जलकुंभी भी तने से ही तना बनता चला जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे, इसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। इसके बाद प्राकृतिक कायक जनन जो मैंने पढ़ाया, अब नेक्स्ट क्या आएगा? कृत्रिम कायक जनन। कायक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का दूसरा भाग, कृत्रिम कायक जनन। प्राकृतिक की जगह अब हम लिख देते हैं कृत्रिम। ठीक है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कृत्रिम कायक जनन। तो कृत्रिम कायक जनन कैसे होता है, किस विधि द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है? इसमें होता है फर्स्ट, कृत्रिम कायक जनन में सबसे पहले जो नया पौधा तैयार होता है वो कलम द्वारा। किस द्वारा? कलम द्वारा। कलम देखी है लगते हुए, जैसे एग्जाम्पल गुलाब, गुलाब का पौधा कलम द्वारा लगाया जा सकता है। क्या करते हैं इसमें?
गुलाब का ये गुलाब की स्टेम है, इसको क्या करते हैं ऐसे यहाँ से कट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से कट करने के बाद एक हिस्सा ये हिस्सा मिट्टी में लगा देंगे, और जिससे क्या होगा नए गुलाब के पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो ये गुलाब में कलम विधि द्वारा गुलाब लगाया जा सकता है, ठीक है। दूसरी विधि क्या है, रोपण विधि। रोपण विधि, रोपण विधि। तो रोपण विधि आप लोगों ने देखा होगा गांव में धान की फसल लगाते हैं, गांव में धान की फसल लगाते हैं। सबसे पहले धान को एक पानी से भरे हुए खेत में डाल देते हैं, उससे धान के पौधे निकल आते हैं। उन पौधों को उखाड़ने के बाद फिर उन पौधों को दूसरी जगह रोप दिया जाता है, इसी को रोपण विधि कहते हैं, ठीक है। तो रोपण विधि द्वारा धान की फसल तैयार की जाती है, ठीक। और तीसरी विधि होती है दाब विधि। दाब विधि, ये दाब विधि क्या होती है, इसमें ऐसा होता है कि दाब विधि में कोई एक पौधा हुआ, ठीक है, उसका एक कोई टहनी इसकी कोई एक टहनी को मिट्टी में दबा दिया जाता है, ठीक है। मिट्टी में इस टहनी को दबा दिया जाता है तो यहाँ से क्या होता है नई जड़ें निकल आती हैं, धीरे धीरे यहाँ से नई जड़ें निकल आती हैं, और यहाँ से फिर नए पौधे का निर्माण होता है दाब विधि द्वारा, ठीक है। दाब विधि द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है, ठीक। जैसे आपने देखा होगा दाब विधि का एक परफेक्ट एग्जाम्पल, आप देखो गन्ने का पौधा होता है, गन्ने का पौधा देखा, इसमें गांठें होती हैं, गन्ने के पौधे में गांठें होती हैं, यहाँ से ऐसे कली निकलती है, ठीक है। ऐसे गन्ने के पौधे में ऐसी कलियाँ निकलती हैं, तो क्या करते हैं यहाँ से काटा, ठीक है। और काटने के बाद इस टुकड़े को जिसमें कली निकली हुई है इसको मिट्टी में दबा दिया, ठीक है। इसको मिट्टी में दबा देते हैं तो यहाँ से एक नए गन्ने का पौधा तैयार हो जाता है। यही होती है दाब विधि। दाब विधि का एग्जाम्पल क्या है, गन्ना, इसका एग्जाम्पल गन्ना, ठीक है, दाब विधि का एग्जाम्पल। नेक्स्ट आ जाता है चौथी विधि, कलिका द्वारा। किसी तने में पौधे में कलिकाएं निकल आती हैं, अभी मैंने बताया था ये है आलू, ठीक है,
इसमें कलिकाएं निकल आई, तो कलिकाएं काट ली और मिट्टी में दबा दी, ये क्या है? कलिका है। तो ये कलिका काट के, ये आर्टिफिशियल तरीके से इसको काट के जमीन में दबा देते हैं और नया आलू का पौधा तैयार होता है। और ये प्राकृतिक रूप से भी ये पौधा तैयार हो जाता है। अगर ये प्राकृतिक रूप से खेत में पौधा पड़ा रहे तो उसमें भी कलिकाएं तैयार हो जाती हैं और नया आलू का पौधा उगाता है। तो ये आलू का तना प्राकृतिक कायिक जनन में भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है और कृत्रिम कायिक जनन में भी आलू का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो कृत्रिम कायिक जनन की कितनी विधियां हो गई? कलम द्वारा, रोपण विधि द्वारा, कलम द्वारा गुलाब, रोपण विधि द्वारा जैसे कि धान, और दाब विधि द्वारा किसी पौधे के तने को मिट्टी में दबा दिया जाता है। किसी पौधे के तने को मिट्टी में दबा देते हैं तो वहाँ से नई जड़ें निकल आती हैं और नया पौधा तैयार हो जाता है। ये दाब विधि है। जैसे गन्ने में, गन्ने का पौधा होता है, उसमें दाब विधि द्वारा, और तीसरा कलिका द्वारा।